दोस्तों, स्वागत है आप सभी को इस YouTube चैनल टेक्निकल चार्ट में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि घर का अर्थिंग कैसे चेक करना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको इस तरह का एक टेस्ट लैंप की ज़रूरत है, जो कि सिर्फ दो वायर और एक होल्डर, दूसरा है बल्ब की ज़रूरत है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इलेक्ट्रिशियन वायरिंग करते वक्त अगर अर्थिंग भी बनाया होगा नीचे से, नीचे बनाया होगा अर्थिंग गार्ड खोद खोद के, तो हर स्विच बोर्ड को अर्थिंग का कनेक्शन दिया है या नहीं, ठीक है, उसको हम कैसे चेक करेंगे। तो उसके लिए आपको सिर्फ एक टेस्ट लैंप की ज़रूरत है। आप मल्टीमीटर के बिना भी इसको आराम से टेस्ट कर सकते हो। तो चलिए आपको दिखा देता हूँ इसको कैसे टेस्ट करना है। तो देखिए दोस्तों, फेयर न्यूट्रल में इस वायर को लगाने से बल्ब जलता है। ये आपको दिखा देता हूँ, बल्ब जलता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट हमारा जो राइट साइड में मेरा फेज है, ठीक है, और लेफ्ट साइड मेरा न्यूट्रल है। तो हमें क्या करना है, एक वायर को इस फेज में डालना है और दूसरे वायर को इस अर्थिंग में। अगर फेज और अर्थिंग पॉइंट में इस वायर को डालने से अगर आपका बल्ब नहीं जला तो जान लीजिए कि आपके घर में अर्थिंग नहीं है। और घर में अर्थिंग होना कितना ज़रूरी है, ठीक है, उसके ऊपर पहले से भी आपको वीडियो दिखा चुका हूँ। अर्थिंग ना होने से क्या आपका प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम होगा, ठीक है, इसलिए अर्थिंग लगाना कितना ज़रूरी है आपको दिखा चुका हूँ। आप भी घर में अर्थिंग ज़रूर लगाएं। तो अभी हम देखेंगे फेज फेज और अर्थिंग में वायर डाल कर देखेंगे हमें हमारे इस बोर्ड में अर्थिंग है या नहीं। अगर बल्ब नहीं जला तो आप समझ जाओगे कि आपका स्विच बोर्ड में अर्थिंग नहीं है। देखिए यहाँ पे फेज और न्यूट्रल में देने से बल्ब जलता है, लेकिन मैं इस न्यूट्रल पॉइंट में वायर ना डाल के इस अर्थिंग वायर में डाल रहा हूँ, बल्ब जल रहा है। मतलब यहाँ पे हमारा इस बोर्ड में अर्थिंग का कनेक्शन है, प्रॉपरली कनेक्शन है। अगर ये धीमी से जलता होगा तो मान लीजिए आपका अर्थिंग इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, पुराना हो गया होगा, उसका जो होता है उसमें नमक और कोयला कोर जो होता है वो ज़्यादा साल रहने से वो डैमेज हो जाता है। तो आपको एक नया बनाना ज़रूरी है। ये इस बल्ब के जगह 100 वाट बल्ब के जगह आप LED बल्ब लगाओगे तो आपको अच्छी तरह से पता नहीं चलेगा कि ये ठीक से इसमें अर्थिंग है या नहीं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ साथ किसी को टॉपिक के ऊपर जानना हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाकर दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।